हाय एवरीवन, होप यू डूइंग वेल। आज का वीडियो हमारे रेगुलर वीडियो से अलग है। ये कोई यूट्यूबर्स की फ्री स्ट्रेटजी सीरीज़ या बैक टेस्टिंग वाला वीडियो नहीं है। ये हमारी न्यू सीरीज़ इनसाइट सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो होगा। बहुत टाइम से मैं प्लान कर रहा था कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, बट कुछ ना कुछ चीज़ों की वजह से डिले हो ही रहा था। आपको याद होगा साल 2020, आज से 3 साल पहले इंडिया में या बोले तो ग्लोबली एक बहुत बड़ा पैंडेमिक आया था। किसको वो याद नहीं होगा। हम सब घर पे बंद थे, जॉब या बिजनेस का क्या होगा कुछ नहीं पता, और जो भी थोड़े बहुत इन्वेस्टिंग किए हैं वो भी ऑलमोस्ट 40% डाउन था। बहुत मुश्किल वक्त था हम सब के लिए। आपको याद होगा निफ्टी जैसे ही थोड़ा सा रिकवर करने क्या लग गया, बड़े बड़े ट्रेडिंग गुरुज अब कितना कुछ वीडियोस बना चुके थे कि ये जो पंप है वो निफ्टी सस्टेन नहीं कर सकता है, एक बड़ा फॉल आने वाला है। और फिर देखिए कुछ महीने बाद नवंबर में निफ्टी वापस अपने प्रीवियस लेवल पे आ गया। और उसके बाद भी देखिए ना, अब आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ निफ्टी अपने प्री कोविड लेवल से 50% ऊपर है। बट कुछ भी हो, पैंडमिक ने बहुत लोगों की आंखें खोल दी है और ये रियलाइज़ करवाया है कि जॉब सिक्योरिटी से कुछ नहीं होने वाला। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग का क्या इंपॉर्टेंस है ये लोगों को समझ गया है। प्री कोविड मेरे को याद है जब मैं ट्रेड करता था, हार्डली किसी ने ज़ीरोधा के बारे में सुना होगा। और अगर मैंने फ़ोन में कोई चार्ट खोला और मेरे कोई रिलेटिव या फिर कोई देखते हैं तो मेरे को ये बोलते थे, अरे यार शेयर मार्केट क्या कर रहे हो, ये सट्टे बाजार है, इससे दूर रहो। और अब रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, बस स्टैंड हो, रेस्टोरेंट हो, कहीं भी आपको कहीं ना कहीं एक हाथ बंदा को चार्ट्स एनालाइज करते हुए दिख रहा रहेगा, निफ्टी को ट्रैक करता रहेगा। ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि लोगों को फाइनेंशियल मार्केट का इंपॉर्टेंस समझ गया है। और इसमें कोई एक पर्सन का हाथ नहीं है, बहुत सारे यूट्यूबर्स है जिन्होंने सब मिलके लोगों के अंदर ये फाइनेंशियल लिटरेसी लाया है। बट क्या करें, जैसे हर कॉइन का 2 साइड होता है वैसे ही अगर कुछ अच्छा हो तो वैसे ही उसका कोई डार्क साइड रहता ही है, विच इज़ PNL स्टेटमेंट। चलिए इंट्रो के बाद हम ये टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। सो हाय एवरीवन, दिस इज प्रणीत फ्रॉम ट्रेडर इनसाइट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहला सवाल, PNL स्टेटमेंट होता क्या है? डेफिनेशन चाहिए तो मैं स्क्रीन पे इन्वेस्टोपीडिया का डाल दूंगा, बट इन सिंपल लैंग्वेज इससे आपको ये समझता है कि आपने पूरे साल में कितना कमाया, क्या आपने शेयर मार्केट में प्रॉफिट किया है या लॉस किया। दिस इज सेम एज ITR जो हम हर साल भरते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि कोई भी अपना ITR किसी को शेयर नहीं करता है। इसके पीछे का लॉजिक सिंपल है, ड्यू टू ग्लोबल कंडीशन लोगों के वेल्थ गैप बहुत बढ़ रहे हैं। आपने सुना ही होगा ये बात, रिच आर बिकमिंग रिचर एंड पुअर आर बिकमिंग पुअरर। सो अगर आप लाइफ में अच्छा पैसा कमा रहे हो, सो आई हाईली रिकमेंड कि आप किसी को ना बताओ, अपना वेल्थ को जितना प्राइवेट रख सकते हो रखो, इससे आपके पर्सनल और फाइनेंशियल दोनों में प्रॉब्लम हो सकता है। अगर समझो कि आपका कोई क्लोज फ्रेंड है जो आपसे हाफ इनकम कमाता है, बट स्टिल वो 75% लोगों से ज़्यादा कमा रहा है, अगर आप उसको बताते रहोगे कि मैंने आज इतना कमाया, मैं इतना ज़्यादा कमा रहा हूँ, तो उसको भी अपने फाइनेंशियल सिचुएशन पे बुरा लगेगा। और इससे क्या होगा, आगे जाके आपके ही रिश्ते ख़राब होंगे। और एक रीज़न है सेफ्टी। अगर आपके पास इतना पैसा है किसी को पता चल गया तो आपको कोई ईजिली टारगेट भी कर सकता है। यही मेन रीज़न है कि आपको अंबानी या अदानी अपना PNL स्टेटमेंट या फिर ITR कभी बताते नहीं है। आपको उनका नेटवर्थ पता चल जाए या फिर उनके कंपनीज का फाइनेंशियल मिल जाएगा, बट उनका प्राइवेट PNL कभी नहीं मिलेगा। आपने कभी उनका ITR ऑनलाइन देखा है क्या? तो अब सवाल ये है कि ये अल्ट्रा सक्सेसफुल लोग जो अपना ITR या फिर PNL किसी को नहीं दिखाते, तो ये YouTube पे लोग हर दिन अपना PNL स्टेटमेंट क्यों दिखा रहे? देखिए, कोई भी आप नया प्रोडक्ट बनाते हो ना, तो उसका प्रोडक्ट डेवलपमेंट से लेके आपके हाथ में आने तक उसमें बहुत सारे फेज होते हैं, जैसे प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेस्टिंग, मार्केटिंग, कस्टमर फीडबैक एक्सेट्रा। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है आपको पता है? लोगों को लगेगा प्रोडक्ट डेवलपमेंट, बट नहीं, एक्चुअल रहता है मार्केटिंग। आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लो, अगर आप उसको मार्केटिंग नहीं कर सकते हो ना, तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चलेगा। अब जैसे ही आपके प्रोडक्ट का कॉम्पिटिशन बढ़ता है तो आपको मार्केटिंग में उतना ज़्यादा ही मेहनत करना पड़ता है। वैसे ही स्टॉक मार्केट में कुछ टाइम पहले सब यूट्यूब पे वही ट्रेंड लाइन हुआ, मूविंग एवरेजेस हुआ, कोर्सेज हुआ, वही सब बता रहे।
तो इतने सारे ऑप्शन से लोगों के पास, तो लोगों को सवाल आया कि मैं किस पे ट्रस्ट करूँ। इसलिए लोग पीएनएल स्टेटमेंट डालने लगे ताकि वो अपने चैनल या प्रोडक्ट को अच्छे से मार्केटिंग कर सके। देखिए, अगर मैं सिंपली यूट्यूब में सर्च करूँ ना कि पीएनएल स्टेटमेंट, ऑलमोस्ट सारे बिग या फिर स्मॉल यूट्यूबर्स ने ये किया है। इससे अच्छा मार्केटिंग चैनल के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। अब आप पूछोगे, प्रणीत इसमें क्या बुरी बात है, लोग पीएनएल स्टेटमेंट तो एज अ प्रूफ दिखा रहे हैं ना, लोगों को अपना परफॉर्मेंस ही तो दिखा रहे हैं, उसमें क्या गलत बात है। अगर सिर्फ अपने ऑडियंस को मोटिवेट करने या शो ऑफ करने के लिए भी डाल रहा होगा ना, तो वो कोई गलत बात नहीं है। बट यहाँ इसका एक डार्क साइड भी है, एंड दैट इज फेक पीएनएल स्टेटमेंट। मेजर लोग अपने स्क्रीनशॉट एक दूसरे मोटिव्स के लिए ही दिखाते हैं। उनका मेन रीज़न यही होता है ताकि वो अपने टेलीग्राम का कोई प्रीमियम स्टॉक टिप्स वाला चैनल हो, या फिर अपना टेक्निकल एनालिसिस या डेरिवेटिव ट्रेडिंग का कोई वर्कशॉप प्रमोट करना हो। इसमें आपको पता है टारगेट ऑडियंस कौन होता है? जो स्टॉक मार्केट में जस्ट नए नए आए हैं ना, वो लोग। और जैसे आपको पता है कि स्टॉक मार्केट से हर महीना 5% या 10% कमाना एक बहुत अच्छी बात होती है, वो कोई ख़राब बात नहीं होती, ये एक प्रोफेशनल को पता है। बट एज अ बिगनर, अगर मैं देखूँ कि इस आदमी से 5% ही कमा रहा है, तो वो मैं इम्प्रेस क्यों होऊंगा? तो इसके लिए क्या करते हैं ये लोग, फोटोशॉप हुआ या फिर HTML यूज़ करके अपने प्रॉफिट्स इतने यूज और अनरियलिस्टिक दिखाते हैं ना, और उसके मन में लालच जगा देते हैं। देखो, इन टुडेज डे एंड एज डिजिटली आपको कुछ भी कोई भी दिखाए, आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगर आप सिंपली YouTube खोलोगे ना और सिर्फ सर्च करोगे हाउ टू डू फेक PNL, तो आपको सिस्टमेटिकली कैसे करना है भर भर के वीडियोज़ मिल जाएंगे। बहुत सारे मेथड है, जैसे लोग फोटोशॉप में डेली प्रॉफिट स्टेटमेंट्स एडिट करते हैं, या फिर HTML यूज़ करके अपना PNL स्टेटमेंट एडिट कर सकते हैं। और बहुत लोगों को ये पता ही नहीं होगा, इसके पीछे एक प्रॉपर बिजनेस भी है जहाँ लोग आपको अप्रोच भी करते हैं। मेरे को भी ऐसे कई मेल आए हैं, उसमें से कोई ना एक कोई मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। ये लोग आपके लिए पूरा एक फेक वेबसाइट बना देंगे, आपके लिए अलग से ऐप बना देंगे, और अगर आपको ये सब मगजमारी भी नहीं चाहिए कि रोज़ उसमें एडिट करो, तो ये आपको डेली प्रॉफिट स्टेटमेंट्स एडिट भी करके देते हैं। और इन्होंने जिन यूट्यूबर्स का नाम लिया है ना, मैं उनका नाम ये वीडियो में नहीं लूँगा, बट वो सब ये सर्विसेज यूज़ करते हैं। मैं ये वीडियो बनाने से पहले एक फ्रेंड के साथ वीडियो कॉल पे था, जिससे मैं ये सब डिस्कस कर रहा था, जो बाय द वे एक अच्छा वेब डेवलपर भी है। उसने मेरे को सिंपल स्टेप बाय स्टेप कैसे सिंपली एडिट करना है ये बताया, और मेरे को बोला, प्रणीत ये सब चीज़ें सब बेसिक चीज़ें हैं, ये सिंपल आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करोगे ना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको प्रॉपर कोई बड़ा वेब डेवलपर भी हायर करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू गिव अ शाउट आउट टू चार्ट प्राइम, हु आर आल्सो टुडेज वीडियो स्पॉन्सर। जिनको नहीं पता, चार्ट प्राइम इज अ कस्टम इंडिकेटर सर्विस। ये बाकी सब इंडिकेटर सर्विस जैसे आपको सिर्फ बाई या सेल के टिप्स देने वाले सर्विसेज नहीं है। इनका गोल उन ट्रेडर पे फोकस्ड है जो अपने ट्रेडिंग करियर के मामले में सीरियस है, और इनके टूल्स को एडिशनल कन्फर्मेशन की तरह अपने एनालिसिस में यूज करेंगे। इनकी एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग कम्युनिटी भी है डिस्कॉर्ड पे, जहां ये लोग ट्रेड आइडियाज़ पोस्ट करते रहते हैं और नए सेटअप्स भी पोस्ट करते हैं। इनके इंडिकेटर्स में आपको काम के और ज़्यादा एक्यूरेट सिग्नल्स मिलते हैं बाकी के ट्रेडिंग सर्विसेज के कंपैरिजन में। रेट भी बाकी सर्विस प्रोवाइडर के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट हाफ ही है, जिसमें ये आपको 6 इंडिकेटर्स प्रोवाइड करते हैं विद 20 डिफरेंट यूनिक कन्फ्लुएंस पॉइंट, जो आप अपने एनालिसिस में यूज़ कर सकते हो। ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट फॉर एवरीवन, और मैं आपको गारंटी भी नहीं दे सकता हूँ कि ये आपको हमेशा पैसा बना के देगा, बट इतना तो हम भी जानते हैं कि हम ट्रेडर्स हैं और हम प्रोबेबिलिटी पे विश्वास करते हैं। सो आई वुड एडवाइज टू टेक देयर 1 month सब्सक्रिप्शन एंड ट्राई आउट देयर प्रोडक्ट योरसेल्फ, और जितने एक्सपेरिमेंटेशन या बैक टेस्टिंग करना है कर लो, अगर आपको सही लगता है तो ही कंटिन्यू करो, वरना मत करना, कौन फोर्स कर। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, अगर आपने वहां से अकाउंट ओपन किया तो आपको 40% ऑफ मिल जाएगा, जिससे आपको इफेक्टिवली ये प्रोडक्ट और सस्ते में मिल रहा है। सो इफ यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग, देन मेक श्योर टू चेक देम आउट। अभी सवाल ये है कि अगर सब ऐसा करते हैं तो इसका क्या इलाज है? वेल, बहुत लोग ये मान रहे हैं कि अभी सेंसिबल ने एक नया MTM वेरिफिकेशन चालू किया है, वो एक गेम चेंजर है। अब जिसको नहीं पता, ये बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी है, जहाँ सेंसिबल के फाउंडर ने इंटरव्यू में बोला था उन्होंने बहुत सारे ट्विटर में फोटोशॉप MTM स्पॉट किया है। उनको ये सब इजीली समझ जाते हैं क्योंकि वो क्वांटिटीज देख के वो समझ जाते हैं कि ये एक फेक एडिटेड ही है करके, और वो उनको कॉल आउट भी करते हैं। इसलिए कुछ टाइम बाद, दैट इज़ अराउंड November 24, सेंसिबल ऑफिशियली लॉन्च्ड अ फीचर कॉल्ड वेरीफाइड बाय सेंसिबल, जहाँ पर आप आपका ट्रेडिंग डे का प्रॉफिट या लॉस वेरीफाई कर सकते हो और वो स्क्रीनशॉट अपने सोशल मीडिया में पोस्ट कर सकते हो। ऑब्वियसली दिस इज़ अ वंडरफुल मूव,
जो लोग डेली अपने बड़े बड़े प्रॉफिट्स दिखा रहे थे वो सब सोचेंगे थोड़ा, बट ऑब्वियसली इसमें भी एक लूप होल तो है। जैसे एक क्वेश्चन विवेक बजाज जी ने भी पूछा था कि ये फीचर मोमेंट टू मोमेंट डेटा ही कैप्चर करता है, सो अगर मैं एक स्क्रीनशॉट पोस्ट करता हूँ जहाँ मैं प्रॉफिट में हूँ या फिर मैंने कोई पोजीशन लिया जो करंटली प्रॉफिटेबल है और मैंने उसी वक्त उसका स्क्रीनशॉट ले लिया, बट 10 मिनट बाद अगर मेरा प्रॉफिट ज़ीरो हो गया तो मैं उसका स्क्रीनशॉट ऑब्वियसली नहीं लूँगा, बट लोगों को कैसे पता चलेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो सारे ट्रेडर्स क्वेश्चन कर रहे हैं और वो वैलिड भी है। ये चीज़ सेंसिबल के CEO मिस्टर हसन ने भी अग्री किया है कि ये वेरिफिकेशन टूल पोजीशन को ट्रैक नहीं करता है और इसको ये पता नहीं चलेगा कि आपका ट्रेड कब क्लोज हुआ है, बट वो भी काइंड ऑफ सॉल्व हो सकता है अगर आप उनका ट्रैकिंग हिस्ट्री देखोगे तो। ऑब्वियसली दिस इज़ अ गुड टूल, बट लूपहोल्स तो इसमें भी है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको मेरी बात या किसी की भी बात को ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। हर स्ट्रेटजी को आपको पहले खुद टेस्ट करना चाहिए और फिर डिसाइड करना चाहिए कि वो स्ट्रेटजी कैसे काम करता है, और ब्लाइंडली किसी का प्रॉफिट या लॉस स्टेटमेंट देख के आप उसका क्रेडिबिलिटी डिसाइड नहीं कर सकते हो, वो भी आज के डे एंड एज में तो बिल्कुल नहीं, जहाँ पर आप कुछ भी मैनिपुलेट कर सकते हो। और रिमेंबर वन थिंग, जो अच्छा कमाता है ना वो कभी अपना P&L स्टेटमेंट नहीं दिखाएगा। और हाँ, जो स्टार्ट में मैंने गलती से अपना पोजीशन और P&L स्टेटमेंट दिखाया था वो ऑब्वियसली फेक है। सोचिए, थोड़ा बहुत क्रोम और स्क्रिप्ट का नॉलेज हो के अगर मैं ये सब कर सकता हूँ तो एक प्रॉपर वेब डेवलपर क्या कुछ नहीं कर सकता। वो चाहिए ना, तो आप पेज रिफ्रेश करोगे तो आपको कंटिन्यूसली डेटा भी फीड होते हुए दिखेगा, वो सिंपली जावा के थ्रू डेटा इंजेक्ट कर सकता है जिसे आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि ये डेटा फेक है। और एक चीज़ मैं अभी क्लियर करता हूँ, मैं कभी अपना P&L स्टेटमेंट नहीं दिखाऊंगा और मेरे को ये भी नहीं लगता कि कोई सेंसिबल पर्सन दिखाएगा। मैं चाहता तो ये P&L स्टेटमेंट दिखा के ईजीली बहुत सारे व्यूज कमा सकता हूँ, बट ये करके मेरे को क्या मिलेगा? मेरे को ना ही कोई टेलीग्राम या प्रीमियम स्टॉक टिप सर्विस चलाना है, ना ही कोई बेसिक कोर्स के लिए 20,000 चार्ज करना है जो यूट्यूब में फ्रीली अवेलेबल है। मेरा विजन ये है कि मैं आपके ट्रेडिंग करियर में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं और आपको मार्केट के क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो समझा सकूं। ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे पैसे नहीं कमाने और मैं सिर्फ समाज सेवा कर रहा हूँ। ऑब्वियसली जब मैंने यूट्यूब खोला था वो मोटिव तो था ही मेरे पास कि मेरे को आपकी सबकी मदद करना है, बट इसको एज अ एडिशनल इनकम स्ट्रीम भी मेरे को बनाना था। और आपको यूट्यूब पे कोई भी बोले कि वो पैसे कमाने के लिए यूट्यूब पे नहीं है, देन ऑब्वियसली इज लाइंग। और चाहे उसने यूट्यूब एड्स मोनिटाइज किया हो या ना किया हो, कोई ना कोई मेथड से वो कमा ही रहा है। बट मेरे को ऐसे यूजलेस कोर्स सेल करके, टिप्स सेल करके या ये फेक P&L स्टेटमेंट दिखा के पैसा नहीं कमाना है। चलिए, आप समझदार हो, मैं इस वीडियो में किसी का भी नाम नहीं लूँगा। और वन मोर थिंग, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब फेक दिखाते हैं, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मेजर लोग फेक दिखाते हैं और जो सच में कमा रहा है वो अपना P&L कभी नहीं दिखाएगा। चलिए, विद दिस आई एंड दिस वीडियो। सो गाइस, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड हिटिंग द बेल नोटिफिकेशन एंड डू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हो तो UPI ID आपके स्क्रीन पे होगा। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैं ज़ीरोधा का लिंक डाल दूंगा, हमसे अकाउंट बना के आप चैनल की थोड़ी हेल्प कर सकते हो। और अगर आपको ये वाली बैक टेस्टिंग शीट चाहिए तो मैंने इसे ऑलरेडी मेरे चैनल पे शेयर किया है, आपको एक वीडियो सजेस्ट हो रहा रहेगा या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। प्लीज़ कमेंट में आपके फीडबैक दीजिए और कौन से वीडियोज़ या स्ट्रैटेजीज आप चाहते हो कि हम बनाएं अपने फ्यूचर वीडियोज़ में, ये भी ज़रूर बताना। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट देख सकते हो और दूसरी स्ट्रैटेजीज की वीडियोज़ भी देख सकते हो। ऑल द सोशल मीडिया लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज़ फॉलो अस एंड शो योर सपोर्ट। More awesome contents are on the way, so see you next time.